नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आज रांची स्थित बीएनआर चाणक्य होटल में जो है एमएसएमई की एक बैठक चल रही है। इसमें जो है कि झारखंड से उन व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए जिन्हें तमाम तरह के परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, उन्हें उनके पास में समस्या होती है कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएँ तो कैसे उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाएँ। दूसरा बात ये भी रहता है, उनके पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आर्थिक परेशानी, यानी कि जो उनके पास में मिला जुला के अपने पास पूंजी जो रहता है वो कम पड़ जाता है और उन्हें कई तरह की सामना करना पड़ता है। या एमएसएमई के माध्यम से जो है कि उन व्यापारियों को अब जो है भारत सरकार जो है कि तमाम तरह से उन्हें सपोर्ट करने के लिए आज रांची में एक सम्मेलन कर रही है और इसी सम्मेलन में हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। कर रहे हैं जो अपना बिजनेस ओपन किए हुए हैं वो जो है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, एमएसएमई की जब हम बात करते हैं, जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, वो हमारे पूरे राष्ट्र की जो है, अगर हम ये कहें कि इकोनॉमी को बनाने में, उसको चलाने में सहयोग करते हैं, तो हम लोग पूरी इकोनॉमी का 30% के करीब जीडीपी हमारे एमएसएमई के कारण आता है। एक्सपोर्ट का 45 से ज़्यादा प्रतिशत जो है एमएसएमई के प्रति आता के तरफ से आता है। लेकिन क्या है, एमएसएमई जो हैं उनको बहुत तरह के चैलेंजेस जो हैं वो झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। फाइनेंस और क्रेडिट एक है, आपने बोला मार्केटिंग, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्रीवेंस, उनके जो तरह तरह की जो अपनी आपदाएं या जो उनकी अपनी जो समस्याएं होती हैं उसका निवारण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बट इन सब के साथ साथ एक जो हमें लगता है, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ कार्य हम, मतलब केंद्र सरकार और यहाँ झारखंड सरकार, राज्य सरकार, सभी तरह की राज्य सरकार कर रही हैं हर जगह की। लेकिन हमारी जो आज की जो वर्कशॉप है, जो वर्ल्ड बैंक ने हमारे साथ इस मामले में हमारे साथ जो है साझेदारी की है, इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य इसी चीज़ की, इसकी सूचना का अभाव, जिसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन असिमेट्री, ये चीज़ को दूर करना है। हमारी आज का ध्येय इस वर्कशॉप का यही है कि हमारी जितनी स्कीम्स हैं उसका एक कंपोजिट तरह से, मतलब एक जगह पर सारी स्कीम्स को हम ले करके आएँ, जिसमें कि हम यहाँ पे आए हुए उद्यमियों को ये बताएं कि आप अगर टेक्नोलॉजी में सहयोग चाहते हैं तो क्या लें, अगर आपको मार्केटिंग करानी है अपने प्रोडक्ट की तो आप क्या कराएं, अगर आपको इसी तरह से फाइनेंस और क्रेडिट के अगर डिलेड विलंबित भुगतान वाला जो एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, एमएसएमई छोटे छोटे मार्जिन्स पे काम करता है, अगर उनका विलंबित भुगतान होगा तो फिर वो आगे का काम नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर आए हैं, एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से आए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे यहाँ पर साथ साथ राज्य सरकार, झारखंड सरकार के भी तमाम अधिकारीगण आए हुए थे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, और एक बहुत ही सकारात्मक साझेदारी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये रैम प्रोग्राम, जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स को एक साथ एक मंच पे लाया जाए और एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाए। सर, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लघु उद्योग जो चला रहे हैं या फिर मीडियम उद्योग जो चला रहे हैं, उन उद्यमों के बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो प्रोडक्शन कर लेते हैं और कई बार उनका प्रोडक्ट बिक नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से अगर सेल नहीं होगा तो वो अपना लोन पे नहीं कर पाएंगे, अपना एम्प्लॉई को सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो वैसे लोगों के लिए एमएसएमई क्या कर रही है? तो देखिए, इसके लिए जब हम ये सीधा विपणन की बात आ गई, मार्केटिंग की बात आ गई, मार्केटिंग को हम दो तरह से मान सकते हैं, के अंदर की मार्केटिंग, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, और जो हमारे अंदर में इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह की मार्केटिंग। तो इसके लिए एक हमारी एक पीएमएस स्कीम है भारत सरकार की, जो कि आप लोगों को भारत में उद्यम फेयर लगते हैं, जितने भी आपके उत्पाद हैं, सर्विसेज हैं, उसको आप शोकेस कर सकते हैं, तो उस पीएमएस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। और उसके लिए जो है कुछ करना नहीं है, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, अपने आप को एमएसएमई के रूप में क्लासिफाई हो जाना है, फॉर्मलाइज आपको पीएमएस के लिए एक मुफ्त स्कीम है, आप कोई भी आएगा और उसमें अप्लाई करेगा, उनको हम सपोर्ट करेंगे कि कैसे विभिन्न प्रदर्शनियों में, जो कि हम पूरे भारत में लगाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, विदेश हम अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं।
के लिए जो फ्रेट चार्जेस लगते हैं, वहाँ के स्टॉल चार्जेस लगते हैं, इसको सपोर्ट कराने के लिए एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है जो कि विदेशों में भी हमारी जो तरह तरह की उत्पादों की प्रदर्शनियाँ होती हैं उसमें हम जाके पार्टिसिपेट कराते हैं एमएसएमईज को। ये भी हमारे मंत्रालय की तरफ से एक फ्री स्कीम है और इसमें उद्घाटन करने के पश्चात उद्यमी आ करके इस स्कीम तो पीएमएस और आईसी इन दोनों स्कीम को मिला देंगे तो मार्केटिंग, चाहे वो इंटरनल मार्केटिंग हो मतलब देश के अंदर की मार्केटिंग हो या विदेश अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग हो, दोनों चीज़ के ऊपर होगा सर। लेकिन इसमें एक समस्या ये भी रहता है कि जो एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उन्हें जो है कि एमएसएमई यानी लघु उद्योग या फिर मीडियम उद्योग, इनके बारे में क्राइटेरिया उन्हें पता नहीं होता, कितना मैंने टर्नओवर होना चाहिए, कौन सा उद्योग वो लगा सकते हैं, कौन सा बिजनेस वो कर सकते हैं जिसे एमएसएमई उस सपोर्ट करता है। आपने एक बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एमएसएमई को ये नहीं सोचना है कि वो सूक्ष्म है, लघु है या मध्यम है। हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आना है, उद्यम पंजीकरण कराना बहुत ही आसान है। आपको 3 पेजेस के फॉर्म्स हैं, उसमें 13-14 डिफरेंट फील्ड्स हैं वो भरना होता है। भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय ने इस वेबसाइट को UIADI आधार वाले जो लोग हैं दोनों के साथ पीछे हम लोगों ने उसके साथ सहयोग किया हुआ है। आप जैसे ही अपना आधार नंबर डालेंगे और पैन नंबर डालेंगे, आप हमको खुद कुछ नहीं करना है कि क्लासिफाई आप क्या होंगे, हम क्लासिफिकेशन अपने आप ले लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो जो हमारी परिभाषाएं हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम की, उसके हिसाब से टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया में आप कहाँ पढ़ रहे हैं आपको नहीं डिसाइड करना है, हमारा पोर्टल अपने आप से डिसाइड करके और आपको बता देगा कि अब आप एमएसएमई बन गए और ये रहा आपका सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारी करीब 20-25 जितनी हमारी तरह तरह की स्कीम्स हैं उन सबों को प्राप्त करने के लिए वो एक सिंगल विंडो है। अगर आप के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तब हम आपको सपोर्ट कर सकेंगे उद्यमी के रूप में, अगर नहीं है तो पहले उद्यम पंजीकरण कराएं और हम और औपचारिक रूप से एक एमएसएमई बने और हमारे पास आए। सर अभी जो है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कई बार नारा दे चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर बने यानी जॉब देने वाला बनिए, जॉब करने वाला नहीं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और उन्हें जो है कि अलग अलग शहर में अलग अलग ब्रांचेस खोलना है, तो क्या वो लोग भी आपके एमएसएमई का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, ये दो इसमें इस प्रश्न को बिल्कुल इस नहीं नहीं इस प्रश्न को मैं दो भाग में ब्रेक करना चाहता हूँ, एक जो कि शुरू करना चाहते हैं बिजनेस और एक जो कि एक्सपैंड करना। आप कह रहे हैं कि तरह तरह अलग अलग शहरों में जाकर एक्सपेंशन है और दूसरा है आप शुरू करना चाहते हैं। शुरू करने के लिए अगर आप सिंगल, जैसे अगर आप कारीगर हैं और आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी स्कीम अभी पीएम विश्वकर्मा आई है। आप नाई हैं, आप बढ़ई हैं, आप कारपेंटर हैं, आप सुथार हैं, इस तरह के 18 ट्रेड्स हम लोगों ने देखे हैं जिससे एक गाँव बनता है और उन गाँव के उन 18 ट्रेडों में उन तरह के कारीगरों को हम लोगों ने टूल किट का सपोर्ट, ट्रेनिंग का सपोर्ट, 1,00,000 रुपए कोलेटरल फ्री मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन का सपोर्ट, मतलब 5% के ऊपर, सॉरी इंटरेस्ट फ्री नहीं है, 5% तक का हम लोग 8% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन उसमें दे रहे हैं। तो मतलब बहुत हद तक हम लोगों ने जो है पीएम विश्वकर्मा हमारी ऐसी स्कीम है जो एक कारीगर को हर तरह से सपोर्ट कर देती है। वो हो गया जब आपके पास कुछ ऐसी स्किल है और आप अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, वो तो वो हो गया। साथ ही साथ पीएम EGP योजना, पीएम रोजगार सृजन योजना भी एक योजना है जिसमें कि हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, वो भी अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, विनिर्माण क्षेत्र या सेवा क्षेत्र सर्विसेज सेक्टर का हो, दोनों ही क्षेत्रों के लिए ये PM EGP स्कीम है और इसमें भी आपको हम 15% 25% तक हम लोग आपको मतलब सब्सिडी देते हैं और आपके बिजनेस को हम लोग सपोर्ट करते हैं, 50,00,000 तक का लोन देते हैं। तो ये है स्टार्ट करना। दूसरी हमारी स्कीम है क्रेडिट गारंटी। जब आप एक्सपेंशन के रूप में सोच रहे हैं तो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एक है जो कि इक्विटी में सपोर्ट करती है। अगर आपके पास से 10 करोड़ का की कंपनी है, आप उसको 25 करोड़ की बनाना चाहते हैं और हमको लगता है कि आपकी उस कंपनी में वो सारी मतलब विधाएं और वो सारे बिंदु को आप कवर करते हैं, आप सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो हमारा है उसके लिए आएँ, हम इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम आपको आपकी कंपनी को ग्रो करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ वो जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो भी एक अच्छी ऐसी स्कीम है जिसमें हम 5 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन देते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर आप
किसी कारणवश कोविड आ गया या इस तरह की कभी कोई और मतलब जीवी मतलब कोई इस तरह की बीमारी आ गई या कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट से आपकी कंपनी बैठ गई किसी तरह से, तो 75% या 85% भारत सरकार आपका लोन वापस कर देगी। चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल ये है कि जो बिजनेसमैन है वो दो तरह से होते हैं, एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है, क्या फीमेल लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उनके लिए लोन में सब्सिडी वगैरह दी जाती है? दूसरा एक ये है कि MSME या फिर जो आपने बताया कि ये विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा योजना या फिर PMGP ये सालों भर योजना चलते रहती या फिर चलती? तो इसमें कई दो तीन आपने प्रश्न पूछे। पहला, हमारी जो वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं उनको सपोर्ट हमारी प्राथमिकता है। हम लोग चाहे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, चाहे हमारी किसी कोई PMEGP योजना हो, उन सब में जेड स्कीम हमने फ्री कर दी है वुमेन एंटरप्रेनर्स की, तो हमारे लिए हम लोगों ने वुमेन एंटरप्रेनर्स को सपोर्ट करने के लिए एक हम लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ है और लगभग सारी स्कीम्स में हम लोगों ने कुछ प्लस उनके लिए ज़रूर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे MSME के अधिकारी जिन्होंने आज जो है कि वर्कशॉप में आए हुए थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि आप बिजनेस मैन हैं तो आपके लिए जो है कि MSME जो है कि अपना दरवाज़ा खोल चुकी है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है बिजनेस चलाने में या फिर फंड को लेके, तो आप MSME के वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हैं। और रांची में अगर MSME का अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो कोकर में स्थित है इंडस्ट्रियल एरिया में। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।